देखो तुम लोगों को मैं एल्कीन पढ़ा रहा था, एल्कीन या एल्काइन, तो उनमें सबसे पहला पार्ट एल्कीन डिस्कस कर रहा था, एल्कीन ना। एल्कीन में डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहल से बनाया था। है ना, हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये डिस्कस कर रहा था ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपसे अभी डिस्कस किया था फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम लोग कैसे बना सकते हैं। अल्कोहल से बनाने का एक तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन, वो डिस्कस किया जा चुका है, हो गया कि नहीं हुआ सर? H2O को रिमूव करना है इसमें। ठीक है ना, यस और सर। नेक्स्ट मेथड की तरफ हम लोग चलेंगे बेटा, नेक्स्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसमें वाटर एलिमिनेट होते हैं, और रिएक्शन कौन सा था, ई1 एलिमिनेशन था या ई2 था, इवन कार्बो कटायन का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ई1 एलिमिनेशन है, ठीक है ना, ई1 एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। दूसरा लिखोगे बेटा फ्रॉम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम RX। सर एक क्वेश्चन दिया था आपने बेटा क्वेश्चन दिया तो मैं उसको क्या दिक्कत है, उसकी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हूँ। फ्रॉम RX नहीं होता तो पूछ लेना, तुमसे हुआ नहीं है क्या, क्लास सर बता दीजिए एक बार हो जाता थोड़ा, तो अजीब कोई सा लगा करने में। नहीं हुआ। ये वाला था क्या तो होमवर्क जिस पर लिखा है, यस H प्लस हीट करोगे, क्या करोगे आप, कार्बो कटायन बनेगा। सर वो चला के पॉजिटिव लगाया फिर शिफ्ट कराया था। क्या बोल रहे हो, कार्बो कटायन बन जाएगा ना। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये यहां से हटा दोगे बेटा, यह पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला रिंग के पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो इसका हम लोग एक्सपेंशन करवा देंगे। रिंग एक्सपेंशन आरसे कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में, ठीक है सर, यस या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाएं, सर। सो चार से एक्सपेंशन पांच में ठीक है, एक्सपेंशन चार से करेंगे, पांच में। चार से पांच में एक्सपेंड करता है कि नहीं करता, करता आपने ब्लॉक में बनवाया था उसे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो चार से पांच में देखो समझना हो, चार से पांच में नहीं बेटा, चार से पांच में तो कर सकता है, 3 से 4 में बात करना था, चार से पांच में तो आसानी से हो ही जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है, सब में कर ही सकते, इसको ब्लॉक में कहाँ लिखवाया होगा, 3 से 4 लिखा था सर। 3 से 4 में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन 4 से 5 में आसानी से हो सकता है ना। तो यहाँ तब करवाई दोगे बेटा, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। तो पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले कार्बो कटायन बनाओगे, ऐसा कुछ, ठीक है सर, यस आप सर। कार्बो कटायन बना तो इसका करोगे, तो ये वाला तो रहेगा ऐसा ही, दूसरा वाला बन जाएगा 5 मेंबर का, ऐसा कुछ समझ आ रहा, चलो नहीं, यस सर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज को कौन से वाले कार्बन पे रखे हैं, सर ब्रिज हेड पर तो नहीं आएगा, ये वन है वाले सेकंड वाले कार्बन का ब्रिज हेड को छोड़कर पे। ये जो दूसरा वन नो, पहले ये वन है ना, अब क्या होगा बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ शिफ्ट करता है, सेकंड पे, सेकंड पर, तो ये कहीं ना कहीं सेकंड कार्बन ये होगा, यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव, यस सर नो सर, यस ये तो करते हो ना कि 1 और 2 3, अब यस इसका कितना लिखे हो आप लोग, 1 2 3 गलत लिखे हो वैसे, आप इधर जो 1 2 3 लिखो, पॉजिटिव चार्ज पे 1 लिखते हैं ना, ऐसा लिखो, ये 1 ये 2, अब लिखो 3 4 4 5 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 2 3 इसको लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ बॉन्ड बनाना है, अब ठीक है ना,
तो ये कार्बन जो है वो वन है, इसको आप टू लिखो या तो इसको टू लिखो या इसको टू लिखो, एक ही बात है, समझ गए। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट करा दिए यहाँ, अब क्या होगा बेटा, इस पे पॉजिटिव जाने से क्या होगा, अब ये वाला रिंग का एक्सपेंशन होगा, जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करा के कितने में ले जाएंगे, पांच में, पांच में, ये वाला कितने का बनेगा बेटा, पांच का बन जाएगा, है ना। दूसरा वाला रिंग कितने का बन जाएगा बेटा, दूसरा वाला रिंग भी पांच का बन जाएगा, पांच का बनेगा, तो पांच का ऐसे बना देते हैं उसी का जैसा जैसे था, ऐसा समझ के बनाओ ऐसा था। अब ये चार का हम लोगों ने बनाया था, तो ये हम लोग कनेक्ट करेंगे ऐसे कुछ, देखो अब, देखो आप लोग क्या करोगे बेटा, सुनो ठीक से, ये वन है, इससे पॉजिटिव है, ये टू है और ये थ्री है। अब क्या करोगे बेटा, टू और थ्री के बीच का बॉन्ड तोड़ के वन और थ्री के बीच बना दोगे और सेकंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जाएगा सेकंड पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे और ये बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसे, समझ गए क्या? यस सर समझ। अब एल्किन बना दीजिए, अब ब्रिजहर्ड को छोड़ के कहीं पे भी एल्किन बना दो, और जो भी बनेगा वो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, कहीं पे भी बना सकते हो, समझ गए बेटा। आप चाहे तो डबल बॉन्ड को यहाँ लगाओ, आप चाहे तो यहाँ लगाओ, दोनों तरफ लगाने का तो एक ही है, क्योंकि अल्फाइज दोनों तरफ कहीं पे भी लगाओगे बराबर ही दिखेगा, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से। जवानी बेटा तुम्हें कुछ समझ में आया इसमें? यस सर थोड़ा सा। तुमने पिछली वाली क्लास नहीं ली थी ना जिसमें रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन सिखाया था? नहीं सर मैं नहीं थी। नहीं ली थी तुमने, तो तुम्हें आता है रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन कब होता है? नहीं सर नहीं पढ़ा है मैंने ये चीज। नहीं पढ़ा है, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो फिर हम आर एक्स हम लोग बनाने के बाद करेंगे, आर एक्स से कैसे बना सकते हैं, ठीक है सर। देखो आर एक्स से बनाने के लिए अपने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, सबसे पहला मैं बात करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते तो बेटा क्या बनता है, एल्किन ही बनता है ना, ये सर नो? यस यस। हम लोग करवाते हैं किसकी वजह से, अल्कोहलिक की वजह से, किसकी वजह से करवाते हैं हम लोग, अगर हम लोग एल्कोहलिक के एस डालोगे किसी भी अल्काइल हैलाइड पे तो दैट गिव्स एल्कीन, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन बनने का कितना पॉसिबिलिटी होगा बेटा, कई सारा पॉसिबिलिटी होगा, यानी एक सैडजेक बनेगा, दूसरा हॉफमोन बनेगा, है ना, आया ना। आप लोगों के पास में क्या होगा बेटा, आर एक्स होगा, उसमें आप लोग क्या करेंगे, एल्कोहलिक के एस डालेंगे, एल्कोहलिक के एस डालने से यू विल गेट एल्कीन। एल्कीन जो बनेगा वो दो तरीके का बन सकता है, दैट मे बी सैटजेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन। आप कौन से वाले को रखेंगे बेटा, आप बोलेंगे जो सैटजेफ होता है मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल होता है, माइनर प्रोडक्ट और लेस स्टेबल, लेस स्टेबल ऑलवेज, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सैटजेफ इज मेजर और हॉफमैन इज माइनर प्रोडक्ट, क्लियर है यहाँ तक। चलो जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में क्या होता है, CH3CH2Cl, तुम लोगों ने इसमें अल्कोहलिक के एस डाला होगा, तो कुछ और बनेगा, इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। यस yes. तुम्हारे पास में क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास में होता है CH3CH2CH2Cl, इसमें तुमने डाला होता है अल्कोहलिक के एस, तो क्या बनेगा बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। पानी तुमने पढ़ा बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नहीं पढ़ा? सर आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलिए। बेटा आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा है। तो ये पता है एल्कीन बनता है आरएक्स का अल्कोहलिक के वैसे रिएक्शन करने पे? हां सर। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन समझ में आ रही है? यस सर यस सर। बट ऐसा कुछ हुआ हम लोगों के पास में CH3CH2CH2CH2Cl,
है ना, ऐसा लिखता हूँ मैं CH3, CH2, CH, Cl, CH3, इसमें ऑर्डर होने अल्कोहलिक के बस, तो क्या बनेगा बेटा? CH3, CH2 डबल बॉन्ड, पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसको लोग क्या बोलोगे बेटा? सेट सर। उसको लोग बोलोगे सेट जस्ट। क्यों बोलोगे सेट जस्ट? क्योंकि इसके पास में अल्फा एच कितना है? इसके पास में अल्फा एच कितना है? 2, है ना। तो बेटा ये वाला जो है सेट जस्ट जो है वो मेजर है, और ये वाला कैसा होगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट। माइनर हॉफमैन। माइनर मतलब ये कौन सा वाला हो गया? हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर क्लियर है। दिक्कत नहीं है, अल्कोहलिक के बस डाल के हम लोग कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है? देखिए बेटा अब एक बात तो सुनो पहले ठीक से, तब आपको इसको कॉपी करना। ये रिएक्शन जो होता है इट फॉलोज कौन सा वाला मैकेनिज्म? E2. Very good, it follows E2 mechanism. किसको follow करता है बेटा? E2 mechanism को follow करता है। E2 mechanism को follow करता है, इसका मतलब क्या हो? क्या rearrangement करवाएंगे? No sir. क्या हम लोग rearrangement करवाएंगे बेटा? नहीं सर। No sir. बेटा E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। बेटा रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। बनेगा बनेगा। मतलब ये हुआ कि मान लो कहीं पे Cl लगा हुआ है, अगर कहीं पे X लगा हुआ है, आपको उसी को लेके उसके आजू बाजू में आपको क्या करना है? एल्किन का फॉर्मेशन करना है, ना कि उसको घुमा के कहीं और ले जाना है। समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा? CH3 CH3 CH2 CH2 CH। ये हम लोगों के पास होता है, इसको आप लोग अल्कोहलिक के बस डाल दे तो क्या बनाएंगे बेटा? इसको आप अल्कोहलिक के बस डाल दे तो आपको क्या बनेगा? CH3 CH2 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 CH2
भाई ई टू मैकेनिज्म फॉलो करने का मतलब क्या, सी एल ये अल्फा पोजीशन पे? यस सर। इसको जो बीटा कार्बन है उसको अटैक करवाना है आपको, तो बीटा कार्बन कितना, एक ही तो है ना? मान लो मैंने ऐसा लिखा हो तो CH3 CH CH3 CH Cl CH3, इसमें तुम लोगों ने अल्कोहलिक KOH डाला होता CH3 CH। हाँ, E2 को फॉलो करेगा, E2 को फॉलो करा दो है आपके पास ये कैरियन अल्फा, बीटा कौन है बेटा, ये है और ये है, दो बीटा। अब दोनों बीटा से निकाल के आप लोग प्रोडक्ट बनाएंगे ना? यस सर। अब दोनों बीटा से निकाल के प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH2। तो यहाँ आपको मेजर माइनर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाला प्रोडक्ट कैसा है मेजर है और कौन सा वाला माइनर प्रोडक्ट है। तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा सेट जेफ, क्योंकि इसमें अल्फा एच ज्यादा है और उसमें कम है इसलिए माइनर हो जाएगा। ये तो ये प्रोडक्ट होगा माइनर, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वाला प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। रिएक्शन को समझने में किसी कोई समस्या हो तो बता दो बेटा, अभी कोई दिक्कत है क्या किसी को इसको समझने में? सुहानी तुम्हें नो सर। सुहानी को सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। यस धीरे आ रही है सर, वॉइस भी कट हो रही है बीच बीच में। वॉइस कट हो रही है बेटा बीच बीच में? सर कट नहीं हो रही, धीरे आ रही है आवाज, धीरे आ रही है, वॉइस कट नहीं हो रही है। हाँ सर कट।
सर मेरे में आवाज ठीक आ रही है, वॉइस कट हो रही है बस। अरे तुम्हारा इंटरनेट इशू होगा, तो देखो मेरी तरफ से इंटरनेट इशू इस वजह से नहीं, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे क्लियरली आ रहा है। सर धीरे आ रही है, मतलब आपकी साउंड धीरे आ रही है, आप तेज बोलिए थोड़ा। ठीक है बेटा, आ जाएगी, आ जाएगी आवाज, आ जाएगी। कॉपी हुआ इतना ये बताओ बस। नो सर। पीछे वाला पेज कॉपी किया आप लोगों ने? नो सर, वो तो हो गया। कॉपी करो जल्दी से, चलो। ये लोग जो क्लास में नहीं आए उनके नाम बोलो एक बार। अंकुर, दीप्ति, अतीक, पलक, धनंजय, पलक, धनंजय, अंशिका, अरुण, धनंजय, अंशिका, अरुण, अतीक भी तो है, अतीक भी ऐसा बोला था। हो गया सर, लिखा कि नहीं आप लोगों ने? सर लिख लिया। अभी ठीक से आ रही है वॉइस? यस यस सर। ये भी लिखा? अच्छा, तुम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं? यस सर पढ़ा है। ये कॉपी हो गया? यस सर। अगर तुम्हारे पास में ऐसा कुछ है बेटा RCHCl2, इसमें लोग जिंक या फिर एजी डालें तो क्या बनेगा? सर RCH सिंगल बॉन्ड CH। RCH सर RR बनेगा। RR बनेगा। कौन कहाँ भगा दिए तुम? फ्रैंकलिन रिएक्शन है ना, कार्बन घूमने चला गया कहीं। हाँ मतलब जितने कार्बन है RCH सिंगल बॉन्ड CH फिर R। मुझे लिख रहा था बेटा RCH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। यस। इन कार्बन का क्या बेटा, ये तीन तीन बॉन्ड बना के बैठे हैं। सर डबल बॉन्ड लग जाएगा बीच में। डबल बॉन्ड लग जाएगा CH और CH के बीच। क्या चल रहा है क्या तुक्का लगा रहे हो? कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। आर आर नहीं बना तो आर रिएक्शन है ना, ये चार बनेगा, नहीं बना तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। वुड रिएक्शन ये आर आर सी एच पे लगेगा फिर सिंगल बॉन्ड सी एच आर आर। देखो बेटा आपको ये पता है वुड रिएक्शन होता था कि अगर मेरे पास में आर सी एच टू या फिर आर सी एल होता था ना, आर सी एल है ना, उसका रिएक्शन तुम लोग किसी मेटल से, तुम लोग जिंक ले सकते थे, तुम लोग एजी ले सकते थे, तुम लोग सोडियम ले सकते थे, है ना, इन सब के साथ में आप लोग रिएक्शन करते थे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। yes. ये वाला बॉन्ड आप तोड़ते थे, यहाँ पे आता था रेडिकल। आर रेडिकल बनता था। अब जो आर रेडिकल था बेटा वो डाइमराइज करके आर सिंगल बॉन्ड आर बनाता था।
आर रेडिकल क्या करता था, प्राइमराइज करके आर सिंगल बॉन्ड आर बनता था, उसको हम लोग वुड रिएक्शन बोलते थे। यस सर। दो सीएल है तो कितना रेडिकल बनेगा बेटा? दो रेडिकल। तो अब जब डाइमराइज करेगा तो कितना बॉन्ड बना के डाइमराइज करेगा? दो बॉन्ड। RCH डबल बॉन्ड CH। एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सरोनी कुछ कह रहे थे कि सर हम ये बोल। यही तो बताया था। ये कहाँ बताया बेटा तुमने? आया तो था CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड। बताया था सर, बताया था। तो वो तुक्का लगाते लगाते बताया था कि सर ऐसा कर लो, सर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो सर, सर ये भी गलत हो गया तो अब ऐसा कर लो, ऐसे बताया था। ठीक है सर, तुम लोग ऐसे भी एल्कीन बना सकते हैं RH से, जिंक या एजी का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे CH3CHCl2 होता, इसका रिएक्शन हम लोग जड़न या एजी से करवाते हैं, वी विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमें मिल सकता है। ठीक है सर, कॉपी करो जल्दी से। सर एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन करूं बेटा फिर से? सर यही जो आपने बताया, जो मैंने बताया अभी, तुमने वुड रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं? क्या सर? वुड रिएक्शन पढ़ा है बेटा तुमने? यस सर। क्या होता है बताओ? वुड रिएक्शन क्या होता है बेटा? सर याद नहीं। याद नहीं है? कुछ भी उस रिएक्शन में से याद हो थोड़ा बहुत भी तो भी काम चल जाएगा। ये कुछ भी याद नहीं है क्या बोल रहे हो बेटा? समझ नहीं आ रहा बेटा क्या? तुम्हारी इसकी वॉइस आ रही है तुम्हें सही से? नहीं सर। तुम्हारी वॉइस नहीं आ रहा बेटा ठीक से। सुनो, देखो जो हम लोगों ने बनाया है RCHCl2 है ना, इसमें जिंक या एजी डाले हम लोग, क्या बना? RCH डबल। बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही है। तुम्हारे यहाँ इंटरनेट इशू है, रिकॉर्डिंग देख लेना तुम। RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, ये जो RCHCl2 है ये कौन सा वाला हैलाइड है, मतलब विसिनल हैलाइड या जर्मिनल हैलाइड है? सर जर्मिनल। ये कौन सा वाला है बेटा? जर्मिनल डाइहैलाइड। ठीक है ना, अगर हम लोगों के पास में विशिनल डाइहैलाइड होगा तो क्या करेंगे हम लोग? विशिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विशिनल डाइहैलाइड आप लोगों को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मान के चलो आपके पास में ऐसा होगा ना, आर सी एच, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे सी एच, दो पड़ोसी कार्बन पे एक्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, दो पड़ोसी एक्स पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? विशनल बोलेंगे। हाँ या ना? यस सर। अब क्या होगा बेटा, अगर आप लोगों ने इसमें डाला होता जिंक जड़न या एजी तो क्या बनता बताओ जल्दी से? सर आर सी, आपको सोचना क्या होता है, मैंने आपको बोला इसको तोड़ो रेडिकल बनाओ आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर, है ना?
आर बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर, ऐसे ही बनेगा कुछ। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में होता सी एच टू सी एल, सी एच टू सी एल इसमें डाले होते जड़न और एजी क्या बनता, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। सुहानी सुन रहे बेटा, वीडियो ऑन करके रखो तुम। तीसरा मैं ऐसा लिखा हो तो बेटा सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू बी आर इसमें क्या बनेगा बेटा, जर्मिनल से ही बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है बेटा, विशनल अगर हम लोगों के पास में है तो जितना कार्बन हमारे पास में पहले था उतना ही कार्बन का एल्किन मिलता है, अगर हम लोगों के पास में जर्मिनल था तो हम लोगों के पास जर्मिनल डाइहैलाइड होगा तो क्या करता है बेटा वो डबल करता है, डाइमराइज करके डबल कर जाता है ना। यस सर नो सर? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर। यस सर। सर ऊपर कर दीजिए। धनंजय बेटा कहाँ से आए हो तुम, सो गए थे? धनंजय को वॉइस आ रही है मेरी, इसको वॉइस नहीं आएगी। धनंजय सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सर मेरे को तो सुनाई दे रहा है। कहाँ थे तुम, सो रहे थे? नहीं सर सो नहीं रहा था सर, आज वो हमारे यहाँ एक जयंती है ना हमारी, तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन में लगा था मैं और भूल गया था मैं क्लास है। ये बहुत सही हुआ, सॉरी सर। अब तक भूल जाओगे ऐसे ही, मतलब अक्सर ऐसा होता है ना घर पे कोई आ जाता है तो तुम भूल जाते हो, घर नहीं सर तो भूल जाते हो, आज जयंती के चक्कर में भूल गए सर, संडे था इसलिए। ठीक है सर, वीडियो ऑन करके रखो चलो सब लोग। सर हो गया डन सर। हो गया बेटा, चलो मुझे बताओ तुम लोग कोलविज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है? सर सोडियम या फिर पोटेशियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, क्या बनता है कैथोड और एनोड पर, एनोड पर CO2 और एल्कीन बनता है और कैथोड पर OH नेगेटिव की वो बढ़ती है कंसंट्रेशन, CO2 प्लस एल्केन मिलता है एनोड पर, एनोड पे और कैथोड पे कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बढ़ जाता है। यस सर। H2 मिल जाता है, ठीक राशि था कुछ। यस सर। बेसिक रिएक्शन था कि RCOOH का अगर लोग के ई एस करवाते हो तो यू विल गेट आर सिंगल बॉन्ड आर, ये शर्नो यही था? हाँ सर। ये वाला बॉन्ड तोड़ते थे, ये हटा देते और रेडिकल बनाते थे, हाँ फिर डाइमराइज कर जाएगा। इनका मैकेनिज्म में लिखवाया था तुम्हें क्या, सबसे पहले आर सी ओ एच का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एनओएच से। यस सर। आर सी ओ एच का एनओएच से करवाएंगे तो क्या बनता है, आर सी ओ एन ए, एन ए प्लस आर सी ओ माइनस, इसमें से बेटा जो आर सी ओ माइनस है वो एनोड पे जाता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, एनोड, और जो एन ए प्लस है वो कहाँ जाता है बेटा, कैथोड पे जाता है। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, आर सी ओ माइनस ऑक्सीडाइज करता मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है और किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, आर सी ओ रेडिकल में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे कि ये टूटता है बेटा क्योंकि CO2 जो वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो आर रेडिकल बना के क्या निकल जाते हैं, CO2 निकल जाता है ना, यही बताया गया था तुम्हें। अब ये आर रेडिकल जैसे ही बना, ये आर रेडिकल क्या करेगा बेटा, ये आर रेडिकल डाइमराइज करके आर सिंगल बॉन्ड आर बनाते हैं। तो बेसिक कहानी ये था कि आपको आर सी ओ एच से सी ओ एच को हटा के आर रेडिकल बनाना है सिंपल तरीके से। अब जब रेडिकल बन गया है तो उसके बारे में जो रेडिकल के रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े थे उन सब के बारे में सोचना है कि कौन सा रिएक्शन हम लोग कैसे कैसे करा सकते हैं। हाँ सर ना सर? हाँ सर। बोला गया।
हाँ मान के चलो तुम्हारे पास में ऐसा कुछ होता, CH2 CH2, यहाँ पे क्या है COH, यहाँ पे क्या है COH, अगर दो पड़ोसी कार्बन पे COH ग्रुप लगा हुआ है, आप लोग इसका KES करा दें, कोलविद इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें, तो क्या होगा बेटा, ये तोड़ेंगे आप, CH2 double bond CH2। ये तोड़ेंगे रेडिकल बनाएंगे, तो यू कैन फॉर्म CH2 double bond CH2। एल्कीन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, हम लोग ये तरीके से भी एल्कीन बना सकते हैं। यस सर नो सर? यस सर। एल्कीन को हम लोग KES यानी कोलविद इलेक्ट्रोलिसिस से बना सकते हैं। तो लिखो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कोलविज इलेक्ट्रोलिसिस, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखोगे फ्रॉम कोलविज इलेक्ट्रोलिसिस KES मेथड, और ये पूरा कॉपी करो। KES से कैसे बनाया जा सकता है वो कॉपी करो। सर ऊपर कर दीजिए। हो गया सर? यस सर हो गया। चलो सबने कॉपी किया, यस सर कर लिया। थोड़ा सा रह गया, करो चलो जल्दी से। इसके आगे लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एल्कीन के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने कार्बोकैटायन वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ा है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी, क्योंकि रेडिकल वाला जो पार्ट था वो कहाँ तक सीमित था बेटा, एल्केन तक सीमित था। एल्केन का रिएक्शन, एल्केन का प्रॉपर्टीज किसको फॉलो करता था, रेडिकल मैकेनिज्म को, ठीक है। अब जब एल्कीन एल्काइन की बात होगी तो वो किसको फॉलो करता है, एल्कीन एल्काइन में कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म बेसिकली फॉलो होता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और बढ़ेंगे उसको लेके। हो गया यहाँ तक सभी का? यस सर। आगे लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, बट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX HX। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन H+, ठीक है। H+ की प्रेजेंस में बेटा हम लोग अगर HX का एडिशन करवाते तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। देखो ये रिएक्शन कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का सबसे पहला रिएक्शन में तुम लोगों को पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
जैसे आपसे बोला था कि इस रिएक्शन में क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, दो तरीके का कार्बोकैटायन पढ़ाया था, एक क्लासिकल और दूसरा नॉन क्लासिकल। तुमसे बोला था कि कार्बोकैटायन में क्लासिक, इसमें क्या होगा, क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा और हम लोग रिएक्शन में रीअरेंजमेंट करवाते हैं। दोनों बातें बोला था कि क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, प्लस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, रीअरेंजमेंट कराएंगे, उसके बाद में सारा काम करेंगे। प्लस में दूसरी बात ये थी कि इस रिएक्शन में मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, हाँ ना, एमकेवी रूल। इस रिएक्शन में कौन से वाले बात रूल की बात करते थे, एमकेवी रूल की बात करते थे, मार्कोवनिकोव रूल। एमकेवी रूल क्या बोलता था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, है ना। ऐसे तो बेटा इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम which has less number of hydrogen atoms. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. रिएक्शन कुछ ऐसा होता था, पहले मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखूंगा बेटा। मैं आपसे बोला था कि MKB rule is not 100% valid in these reactions. हाँ, basic reactions में follow होता है, लेकिन आपको MKB rule को follow नहीं करना है। MKB rule एक basic rule है जो बेसिक रिएक्शंस में इंप्लीमेंट होता है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ लेगा आप नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा था मैं क्या बोला? आपको क्या करना होता था, आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना होता था, उसको रीअरेंज करके उसके बाद में जो नेगेटिव पार्ट था उसको ऐड करना होता था। जैसे मैं स्टार्टिंग ही एक एग्जांपल से करूंगा जहां पे एमकेवी रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अगर होता, मान लो आपसे बोला जाए इसमें HCl आपको ऐड करना है या HX आपको ऐड करना है, क्या इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेटा सबसे पहला काम क्या होता है इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म की बात करूं तो जो HX होगा या HCl होगा वो क्या करता है, H प्लस देता है, प्लस Cl माइनस में करो। ये H प्लस जो होगा वो डबल बॉन्ड से जाके रिएक्शन करेगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड के पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। Yes, sir. इसका अटैक इस पे हुआ। आप कार्बोकैटायन बनाएंगे बेटा, आप किधर बनाएंगे कार्बोकैटायन, कौन सा वाला? सर 2 डिग्री 3 ये बनाएगा। Yes, sir. सबको समझ में आते हैं? Yes, sir. मतलब ये हुआ कि बॉन्ड को कौन सी डायरेक्शन में तोड़ा गया, इस डायरेक्शन में, यहाँ आया होगा नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ये बॉन्ड बना लिए, देखो। Yes, sir. ठीक है सर, अब क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। ये रिएक्शन का RDS होता है, ये क्या होता है, RDS ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म। सबसे पहला कार्बोकैटायन बनेगा उसका स्टेबिलिटी पे कौन डिपेंड करता है बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब क्या करेंगे आप लोग, रीअरेंजमेंट कराएंगे, जब रीअरेंजमेंट कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, CH3 C+ CH3 CH2 CH3, ऐसे होगा ना रीअरेंजमेंट। यस सर। पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट कराएंगे और H को यहाँ शिफ्ट कराएंगे, हाइड्रेट शिफ्टिंग कराए, क्या कराए, हाइड्रेट शिफ्टिंग। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये क्या करेगा, Cl- से रिएक्शन करेगा जब रीअरेंज हो जाएगा तो, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CCl CH3 CH2 CH3। बहुत बेसिक सा रिएक्शन है, आसान सा रिएक्शन है, लेकिन क्या फॉलो नहीं हुआ बेटा, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो नहीं हुआ। तो आपको एमकेवी रूल को हमेशा फॉलो नहीं करना होता है। क्यों नहीं फॉलो करना होता है, क्योंकि रिएक्शन जो होगा वो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो रेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म। कार्बोकैटायन बनेगा तो उसके हिसाब से हम लोग रीअरेंजमेंट भी करवाएंगे, उसके बाद में OH माइनस X माइनस वगैरह वगैरह उसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखो इस रिएक्शन के प्रॉपर्टीज लिखूं तो रेट जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन
साइन फॉर्म आपको मैं बता चुका हूँ कि रीअरेंजमेंट के बाद में क्या कार्बोकैटायन बनता है उसको कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहला बनेगा उस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन, आया ना। सबसे पहला कार्बोकैटायन कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला। रीअरेंजमेंट के बाद में क्या बन रहा है, ये इससे में मतलब नहीं है, ये हमने बनाया बाद में किया। इस रिएक्शन इसका होना इस चीज पे डिपेंड करना ये कितना स्टेबल है। यस सर नो सर, यस हमारे में क्या बोल रहा है, यस सर आ रहा है। ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म, जितना ज्यादा स्टेबल पहला कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा रेट होगा। दूसरा अगर हम लोग HX में बात कर रहे हैं रेट की, तो HX क्या करता है, HX क्या करता है बेटा, H+ देता है, आया ना। यस सर। H+ जितना आसानी से मिलेगा उतना आसानी से रिएक्शन होगा। तो HX के लिए जो रेट होता है, HX के लिए जो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सलोनी बताएगी स्टेबिलिटी ऑफ एक्स, स्टेबिलिटी ऑफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ एचएक्स। ठीक है सर। सर एक्स स्टेबिलिटी देना है, एच प्लस देना है, जितना आसानी से एच प्लस मिल जाएगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। तो जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उतना आसानी से रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो एसिडिक नेचर में सबसे ज्यादा किसका होता है, HI, HBr, HCl और फाइनली HF। समझ गया सर? यस सर। कोई दिक्कत इसको समझने में हो तो बताओ अभी। नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? यस सर। कॉपी करो फिर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे तुमसे, लिख दिए क्या? नहीं लिखा क्या अब तक, इतना स्लो क्यों लिखते हो तुम? लिख लिया सर। रोनी लिख दिया, एक क्लास लिख लिया। कीर्ति है क्लास में? है। रोनी तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं आजकल? सर केमिस्ट्री में सभी में अच्छे आ रहे हैं बेटा, बहुत ज्यादा। क्या वजह है इतने अच्छे मार्क्स आने की? सर अच्छे नहीं आए। अच्छे नहीं आए, मुझे तो लगा बहुत अच्छे आने लगे, अब तुम पढ़ने लगे हो। नहीं सर, मेहनत करिए उतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि आपने वो एलन वाली बुक से दिए हैं सारे। एलन वाली बुक से दिए इसलिए अच्छे आ गए सर, मतलब वो सारे इजी क्वेश्चंस थे, किए हुए थे। तो अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा बहुत बेकार आए थे इसलिए। सर जो पुराना टेस्ट था वो नहीं, जो कल हुआ है वो शायद चेक भी नहीं हुआ होगा बेटा। पुराने टेस्ट के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उसको देखूंगा ना मैं। तुम्हारे टोटल आए 143 आउट ऑफ 360, केमिस्ट्री में 45 में से सिर्फ 19 क्वेश्चन सही है, 14 गलत है, 62 मार्क्स है सर। कल वाला फिजिक्स में तुम्हारे, कल वाला मेरा भी सही हुआ लेकिन पहले वाला बहुत बेकार गया। तुमसे अच्छे तो इतनी मार्क्स आ गए हैं देखो अंकुर के। सर जितनी मेहनत करी थी उतना अच्छा नहीं गया। और प्रियांशु तुम्हारा तो, तुमने तो कुछ कमाल कर दिया केमिस्ट्री में। सर समझ में नहीं आया केमिकल बॉन्डिंग, बहुत बार पढ़ा समझ नहीं आया उसमें केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा क्या है जो समझ नहीं आता सबसे। पता नहीं सर, तो एक्सक्यूज मत दिया करो, तुम्हारे पास पर सर यही एक्सक्यूज है, फाइनली कुछ समझ नहीं आया। सर इस बार लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 39 किए 45 से, तो समझ नहीं आया तो पढ़ो, फिर से नहीं आया तो और पढ़ो, फिर भी नहीं आया तो और ज्यादा। तो समझ नहीं आएगा तभी पढ़ोगे ना, आएगा तो फिर क्यों पढ़ोगे, जब आ गया तो आ गया, उसको दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। तो समझ नहीं आएगा उसी को तो दोबारा पढ़ना है। यस सर। जो चैप्टर आ जाता है उसको पढ़ते हो 15-20 बार, क्या इसमें और कुछ कमाल कर देंगे हम? नो सर। तो समझ नहीं आया तो पढ़ना चाहिए था, जब मार्क्स नहीं आए तो बोल रहे हो। सर पढ़ा था मैंने। हम कैसे मान ले बेटा पढ़ा था, पढ़ना मतलब मार्क्स आना ना।
जो पढ़ते हैं वो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता क्या? होता है सर, होता है। उन्हीं का होता है। चलिए सर, हो गया इतना, सब लोगों ने लिखा पूरा? यस सर। पढ़ रहे थोड़ा, मार्क्स आने चाहिए। मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, उनके प्रोडक्ट तुम्हें बताने हैं, ठीक है? जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी एटॉमिक क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट, किसी को पढ़ना है बेटा तुम लोगों में से? नहीं सर। यस सर। पढ़ना है बेटा इसलिए। यस सर। पढ़ लेने सर, मैं भी पढ़ूंगा फिर से एक और बार। एक बार किसके साथ सर? बेटा सुहानी को पढ़ाना है अभी मुझे सॉलिड स्टेट, जिनको पढ़ना होगा वो साथ में पढ़ सकते हैं। मतलब सर आप मैसेज कर देना ग्रुप पर उस टाइम। सर टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग आज डिसाइड करके बताते हैं बेटा कब तक क्लास करनी। ओके सर। सोनी तुम्हारा एग्जाम कब है, कौन सी डेट में है? सर मई में है। ठीक है सर। किसका एग्जाम? केमिस्ट्री का। सुनो सर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, उनके प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है? पहला लिखो, एक ही क्वेश्चन डाला है बेटा इसमें, ठीक है? सिक्स्थ वाले में इनके प्रोडक्ट लिख के लाने बेटा सभी को, ठीक है? ओके सर। सब होमवर्क है? हाँ बेटा होमवर्क है। पर सेकंड वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। हो गया सर? यस सर।
ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कल तुम्हारी क्लास होती है क्या मंडे को? नो सर। नो सर, बायो एंड फिजिक्स की है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।